पटना जिला मुख्यालय में FSTC फ्यूचर सक्सेस प्राइवेट लिमिटेड और ADS डांस स्टूडियो की छात्राओं ने दी प्रस्तुति। कुमकुम टाकीज गजानन पैलेस में हुआ भव्य आयोजन। संस्था द्वारा किया प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसमें 500 छात्र छात्रा और उनके अभिभावक सहित 1000 से अधिक लोगों ने देखा रंगारंग प्रोग्राम। लोगों की तालियों से गूंज उठा गजानन पैलेस। करीब 500 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। पन्ना सहित अन्य जिलों से भी शामिल हुए छात्र छात्रा। कार्यक्रम में पन्ना सहित अन्य जिलों से भी छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए अमंग नाज निवासी लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया, संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पढ़ाई के साथ साथ डांस सीख कर अपने सपनों को भी पूरा कर रही हैं। छात्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 150 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से एंट्री फीस जमा करवाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सके। इस संस्थान के माध्यम से उन्हें आगे बड़े प्लेटफॉर्म में इंदौर और दिल्ली में भी संस्था प्रस्तुति देने ले जाएगी। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल में क्या है और आज कहाँ आई हो, क्या घटना हुई है आपके साथ? पन्ना आए हैं, जा रहे थे गाय लेके, तो मैं सुकेश बुलाया, बोला यहाँ आओ, तो हम जा रहे थे, तो फिर हमारा हाथ पकड़ दायना वाला हमें अंदर कर लिया, फिर जबरदस्ती हमारे साथ गलत काम किया, फिर बोला किसी से बताओ तो मैं जान से तब कर दी, मानने की धमकी दिया, फिर काम कर कर हमारी फोटो फेसबुक में डाल दी, और फिर वहाँ से हम घर आए तो दीदी से बताए तो पापा मम्मी आए तो यहाँ आए, जयनगर आए, वहाँ पर दवाई की, वहाँ कोई सुना नहीं। आज कहाँ आई हूँ? आज पन्ना आए। एसपी साहब से बोल रहे हैं, क्या बताया एसपी साहब ने, कार्रवाई करने की बात कही? नहीं, अभी बात नहीं हुई। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। पहले भी कोई धमकी वगैरह दी गई आपको? अचानक फेसबुक पर डाल दिया, तो साहिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई आपकी? कहाँ से आए? टूड़ा से। हुआ क्या है आपकी बच्ची के साथ, कौन था आरोपी? और हम तो रिश्तेदारी में गए थे, और जब रिश्तेदारी से आए तब हमको मालूम हुआ, तो इसके बाद में यहाँ साईनगर थाना में गए तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो हम अपड़ आदमी हैं, उतना कानून जानते नहीं हैं। मैडम ने समझा के कहा, कहे दादा से ऐसा ऐसा करवा लो, तो हमने कहा कि ठीक है, आप ही के ऊपर है केस, हमको अंदर चाहिए उस लड़के को जो धारा मतलब कांड करी सी, उसको 20 साल के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्र करो, और नहीं आगे चल के हमारे लिए दुखदाई बनेगा वो। हम था वो लड़का और क्या किया है बेटी के साथ? गलत व्यवहार किया है। कौन था वो लड़का? याद वहाँ था भाई। कहाँ का? टूड़ा का। पड़ोसी का रहे? हाँ, पड़ोसी का नाना है, मुकेश नाम है उसका, उसे बन्नू बन्नू कहते हैं उसको। क्या पूर्व से कोई? नहीं, कुछ नहीं है। और क्या किया है उसने? वो छेड़छाड़ करके अंदर बेड़ के हमारी लड़की के मतलब का वो करी है। हाँ, फिर उसके बाद फेसबुक पे भी? हाँ, उसके बाद फिर लड़की के घर गई, अब हम रिश्तेदारी से आए तो फिर रिपोर्ट अपोर्ट किए थाने में, कोई सुनाई नहीं है। कोई धमकी वगैरह? हाँ, धमकी वगैरह ये दिया है कि ये उसका रास्ते में मकान बना है, हमारा रास्ता हार के लिए जाने के लिए, वही रात दिन हम आते जाते हैं हार के लिए, तो कहते हैं कि हम तेरे को बयान बल दे, उन्हें तो तेरे का मर्डर कर देंगे, तेरी लड़की को भगा ले जाएंगे, ऐसा वैसा करते हैं। 3-4 लोग हैं वहाँ। कौन कौन थे? वो सुरेश विश्वकर्मा और सुदामा यादव और उमेश और उसकी महतारी, लड़के की महतारी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, अपन न्याय होना चाहिए, इसका दंड मिलना चाहिए भाई। साहिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई आपकी? है, नहीं हुई है। हुई है, रिपोर्ट दर्ज किए हैं हम साहिनगर थाने में। रिपोर्ट दर्ज की है? जी। किन धाराओं के तहत की? अब भाई, अब तो अपन पढ़े नहीं हैं, मैडम को बताई है, फ़ोटो भी दिखाए मोबाइल में, फेसबुक में वो डाल दिया फ़ोटो, तो उसको भी दिखाए, TI भाई साहब को भी दिखाए, तो कह कहे हम केस बना देते हैं। तो आप FIR से संतुष्ट नहीं? नहीं हैं हम। आज कहाँ आए? पन्ना। किससे मिले? यहाँ घटनाक्रम उन्होंने बताए हैं,
मैम फेसबुक पे कुछ अश्लील फोटो भी आरोपी के द्वारा वायरल किए गए हैं। लेकर वो छोटा उनका फ़ोन था, उसमें वो लीन हुए हैं जिसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो अब इसको जांच में विस्तृत ढंग से देखा जाएगा कि आखिर कौन से पिक्चर्स थे, किस व्यक्ति ने उसको अपलोड किया, तो विस्तृत की जाँच। पीड़िता के 164 के तहत भी ध्यान दर्ज हुए।